हेलो एवरीवन आई होप ईच वन ऑफ यू इज कीपिंग सेफ तो आज हम वन पेज नोट्स देखेंगे मोशन चैप्टर के चैप्टर है क्लास नाइन्थ का मोशन मोशन चैप्टर के वन पेज नोट्स तो पहले मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ दिस इज़ दी फर्स्ट पेज ठीक है वन पेज के ही हैं बस थोड़ा सा और आगे है दो तीन चीज़ें जो पिछले पेज में नहीं आ रही थी डाटा बी इंसर्टेड इन नेक्स्ट पेज तो ये वन पेज नोट्स हैं इसमें आपका बच्चा पूरा थ्योरी वाला पार्ट कवर हो जाएगा ठीक है अगर आपने ये नोट्स रेफर कर लिए दिस इज फॉर क्लास नाइन्थ आपका पूरा पार्ट जिसमें पूरी थ्योरी है इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी एंड न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कॉमनली रिपीटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं एक वीडियो में डाल दूंगी इफ़ यू रिक्वायर सम प्रैक्टिस विद द न्यूमेरिकल पोर्शन ठीक है अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना और इससे पहले आपने मोशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी मोशन चैप्टर डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट था इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट वर्सेस मोशन कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है या फिर कोई भी चीज़ मोशन में है ये हम कैसे बताते हैं ये बहुत रिलेटिव चीज़ होती है मतलब ये टोटली रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है अगर बॉडी की पोजिशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट कि व्यूअर कहाँ पर है ठीक है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा अगर उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या होगा ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे कहलाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहलाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन ठीक है तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट वर्सेज मोशन यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन uh, होता है कि अब uh, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कैन इट बी सेट दैट द अर्थ इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द मून तो आंसर होगा नो या कोई भी चीज़ अगर पूछी जाए क्या ये चीज़ परमानेंटली रेस्ट पे होती है लेट uh, सपोज uh, कोई बस स्टैंडिंग है कैन इट बी सेट टू बी इन रेस्टेड तो डिपेंड करता है कि आपका व्यूअर कहाँ है आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है कोई भी चीज़ मोशन पे भी हो सकती है और रेस्ट पे भी हो सकती है टोटली totally डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट क्या है नेक्स्ट है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों चीज़ें इन्वॉल्ड होती हैं इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ठीक है ठीके? इनके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अच्छा तो द थिंग इज स्केलर क्वांटिटी एंड वैक्टर क्वान्टिटीज़ वाला पार्ट डायरेक्टली कम पूछा जाता है कभी कबार इस फॉर्म में पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस लिखूँ ठीक है डिस्टेंस क्या होता है बच्चा डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ है बॉडी कितना एक्चुअल पाथ ट्रैवल करती है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की जो जर्नी है उसके बीच का जो एक्चुअल पाथ है दैट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा मान लो ये एक पाथ है ये दूसरा है ये तीसरा है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही ऐसा यूनिट मीटर होती है ठीक है ऐसा यूनिट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की मीटर होती है ठीक है लेकिन डिस्टेंस क्या है हमारा क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है ओनली मैग्नीट्यूड इज़ इन्वॉल्व दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी आप इसके नीचे लिख भी सकते हो ओनली मैग्नीट्यूड इज़ इन्वॉल्व जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है क्योंकि दोनों होता है इसलिए दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता कोई भी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जीरो नहीं होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होएगी जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा ठीक है यानी राउंड ट्रिप राउंड ट्रिप का मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जब सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी पॉजिटिव कब होएगी अगेन अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ सर इन अ लीनियर पाथ लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ है ना और नेगेटिव कब होएगी नेगेटिव भी हो सकती है एंड क्योंकि नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा हो वापस आ रहा हो तो उस वाले केस में नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए नेगेटिव से डायरेक्शन को शो करता है फ्रंट या बैक तो इट कैन कैन बी नेगेटिव यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एम बन जाता है लास्ट पॉइंट से दैट डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट या तो कम होएगी लेस देन इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो कम होएगी डिस्टेंस के इक्वल या तो कम होएगी या फिर इक्वल होएगी ठीक है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा ठीक है बाकी डिटेल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छा एक और चीज़ जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर ओडोमीटर एक डिवाइस होती है जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही बोलेंगे हम ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे डिस्टेंस मेजर जो करती है दैट इज़ ओडोमीटर ठीक है गाड़ी के फ्रंट में दो चीज़ें लगी होती है डैशबोर्ड पे एक ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस बताता है उस पर ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं आपने अच्छे से देखा होगा यहाँ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं दैट इज़ एन ओडोमीटर और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी में स्पीडोमीटर क्या होता है स्पीड बताता है स्पीडोमीटर लगा होता है वो जो रीडिंग्स जहाँ आप देख रहे होते हो कि गाड़ी फोर्टी की स्पीड से चल रही है या सिक्सटी तो वो क्या है वो स्पीडोमीटर है जो स्पीड होती है और जो वेलोसिटी होती है दोनों की ही ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की ऐसा यूनिट मीटर थी स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है स्पीड क्या होता है अगर डिफरेंस लिखना है डिफरेंस बिटवीन सीट स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम मतलब अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन ये फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर वी इक्वल टू एस अपॉन टी एस हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो करता है ठीक है तो वी इक्वल टू एस अपॉन टी जनरली हम एक फार्मूला बोल देते हैं ठीक है नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम ये हमारी वेलोसिटी होती है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुई वेलोसिटी क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है अगेन वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं लेकिन जो हमारी स्पीड है दैट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है क्वान्टिटी होती है डायरेक्शन नहीं होती ठीक है अगेन जैसे डिट टू मैंने साथ साथ इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे वही यहाँ पे है दैट स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव स्पीड पॉजिटिव हो सकती है और जैसे डिस्प्लेसमेंट था ऐसे ही विलॉसिटी का भी यही है इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो ठीक है डायरेक्ट डिफरेंस है बिटवीन स्पीड एंड विलॉसटी थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम क्योंकि डिटेल में हम ये चैप्टर कर चुके हैं ठीक है चीके? तो इसलिए थोड़े से स्पीड मेरी फास्ट रहेगी नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड अब अगर डायरेक्ट आपको डिस्टेंस दिया हुआ है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस ट्रावल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन ठीक है और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू ठीक है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है बी हमारी फाइनल वेलोसिटी है ठीक है अच्छा ये तो हो गया तब जब आपको यू दे रखा हो यू और वी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो मान लेते हैं आपको वेलोसिटी नहीं दे रखी तब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल तो टाइम टोटल तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन तो टोटल टाइम कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई और कितना टाइम लगा ठीक है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये दोनों फार्मूलेस इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्टेंस विलॉसटी एवरेज विलॉस और एवरेज स्पीड के इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं ठीक है तो इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखेंगे हम नेक्स्ट इज़ एक इम्पॉर्टेंट बात कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो सकती है और एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के कब इक्वल कब होएगी जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है जैसे जब ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी तो क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होएगी क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी तो इसी तरह वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होएगी सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन दिस इज अन इम्पॉर्टेंट थिंग ऐसा हमारा एन में एक क्वेश्चन है ठीक है उसके बेसिस पे मैंने ये फॉर्म किया है ठीक है बच्चा आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इन नोट से आपको थ्योरी पार्ट के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होती क्या है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और किसी भी चीज़ के आगे रेट लिखा है मतलब उसी को टाइम से डिवाइड कर देना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फिलासटी मतलब चेंज ऑफ फिलासटी अपॉन चेंज इन टाइम और चेंज ऑफ फिलासिटी आप कैसे शो करोगे फाइनल विलॉसिटी माइनस इनिशियल विलॉसिटी वी हमारी फाइनल विलॉसिटी है यू हमारी इनिशियल विलॉसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है ऐसा यूनिट उसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई स्पीड और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड हो गई और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीटर्स हो गई ऐसा SI यूनिट्स हमें सबकी याद होनी चाहिए अच्छा अगर हमारी एक्सेलरेशन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो ठीक है आप ये बात समझ रहे हैं फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम हो तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन आपका साथ साथ सारा रिवाइज हो रहा है चैप्टर अगर आपने डिटेल में स्टडी कर रखा है तो सिर्फ एक बार ये वीडियो देखने की जरूरत है एंड आपका चैप्टर एकदम फाइनल आपका कोई भी पेपर हो जिसमें ये चैप्टर आ रहा हो आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा ये टेन मिनट्स के अराउंड वीडियो बनेगी ठीक है सिर्फ इतना आपको देखना है आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा सो वेन द वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज इज वेलॉसि जब डिक्रीज करती है टाइम के साथ देन दिट दस नेगेटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन या फिर कभी कभार हमें डी डी ठीक है डी डीएक्सीन भी बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को ठीक है अच्छा एक और चीज़ जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगी स्पीड एंड वेलोसिटी में कभी कभार जो हमारी स्पीड दी होती है वो किलोमीटर पर आर में दी होती है तो जब किलोमीटर पर आर में स्पीड दी हो तो आप उसे मीटर पर सेकेंड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करके ठीक है मान लो आपको स्पीड दे रखी है थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर तो आप क्या करोगे अच्छा एक्चुअल में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे और आर को सेकेंड्स में करोगे तो थर्टी सिक्स इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो थाउजेंड आएगा और आर्स को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी आएगा तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर फाइव अपॉन एटीन ही आता है आप सॉल्व करके देख सकते हैं इससे हमारा आंसर आएगा थर्टी सिक्स इंटू फाइव अपॉन एटीन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट अगर हम करें तो ये होता है टू तो आंसर आएगा फाइव टू जै टेन मीटर पर सेकेंड तो ये हो गया किलोमीटर पर आर को मीटर में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का तरीका अगर उल्टा पूछा जाए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट ऑपोजिट कर देना है तब आपने एटीन अपॉइंट फाइव ले लेना है ठीक है मल्टीप्लाइड बाई एटीन अपॉइंट फाइव ठीक है और नोट्स में आपको कोशिश करूंगी नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दू जहाँ से आप ये PDF पी भी ले सकें वरना यहाँ तो मैं डिटेल में सब बता ही रही हूँ ठीक है so, सो अब इसके बाद क्या आता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन वो वाला मोशन होता है वेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो इन इक्वल टाइम इंटरवल ठीक है यानी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूँ ठीक है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं आगे की जब मैं ग्राफ्स और ये वाला पोर्शन कराऊंगी इसमें चाहे आप स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो सेम बात है सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक है तो वेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड अगर इक्वल डिस्टेंस जगह अनईक्वल वर्ड आ जाए ठीक है यानी अनईक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल तो क्या होगा अनईक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल दैट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है इसके बाद आते हैं हमारे ग्राफ्स अच्छा इसको आप एज़ डिफरेंस बिटवीन भी लिख सकते हैं इजी था इसलिए मैंने दो लाइन में कवर कर दिया ठीक है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म आए तो भी आप लिख ही सकते हैं ऑल दो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन कम ही पूछा जाता है अब आते हैं हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो ग्राफ्स मैंने दोनों एक ही साथ कंपेरेबल पोजीशन पे रख दिए हैं ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको आसानी हो सो फर्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है स्लोप का मतलब स्लान्ट कितना है ठीक है स्लॉटिंग लाइन कितनी स्लान्टिंग लाइन है ठीक है तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स विलॉसटी या फिर मोशन जो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये बताता है ठीक है तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स मोशन या फिर वेलोसिटी। जैसे कि अगर हमारा ये रहा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ये रहा टाइम हमारे यहाँ दूसरे एक्सेस पे होगा सो दिस इज़ टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा हमारा स्ट्रेट लाइन है जैसे आपको दिख रहा है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन अगर ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन होएगी यानी स्लोप एकदम सीधा है तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे मतलब ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है ठीक है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आगे मूव करता जा रहा है लेकिन अगर आपका स्लोप किसी भी तरह का स्लांट है चाहे ऐसा स्लान्ड हो चाहे ऐसा स्लान्ट हो हो सकता है कभी कभार आपको इस तरह का स्लान्ट दिख जाए हो सकता है इस तरीका दिख जाए हो, हो सकता है ऐसे करके इस तरीके का दिख जाए कोई भी अगर स्लॉटिंग लाइन हो कैसा भी हो दैट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो सारी चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लान्टिंग है तो ठीक है उसमें कोई कर्व आ रहा है किसी भी तरीके का तो दैट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और अगर हमारा ऑब्जेक्ट पैरल टू द टाइम एक्सेज हो मतलब सीधी सी बात है कि टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल नहीं बढ़ रहा डिटेल में मैं ये ऑलरेडी ग्राफ्स आपको बता ही चुकी हूँ ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा यानी वेलोसिटी तो जीरो ही होगी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ठीक है डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा कुछ है ही नहीं तो दैट मीन्स विलॉसिटी वुड बी ज़ीरो लेकिन यही चार ग्राफ अगर आपके वी टी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ गए तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है देखो ध्यान से देखना ग्राफ्स एकदम वही हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली सेम ग्राफ मैंने राइट हैंड साइड पे बनाए हैं फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है यहाँ पे V लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमारे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो जैसे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन था तो हमने बोलता यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे आपका जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो बताता है एक्सेलरेशन कितनी है एक्सेलरेशन क्या था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कितनी है वो बताता है तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर कैसा भी कर्व हो किसी भी तरीके का कर्व हो तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वहाँ क्या था नॉन यूनिफॉर्म मोशन था अगर कर्व होता तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये तो हो गई हमारी कर्व की बात कि किसी भी तरह का कर्व हो तो ऑब्जेक्ट नॉन एडफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा और अगर ऑब्जेक्ट पैरल टू टाइम एक्सेस हो जैसे लास्ट वाले ग्राफ में दिया हुआ है जो हमारी लाइन है दैट इज़ एकदम पैरल ठीक है ये पैरल लाइन है टाइम के साथ इसका मतलब होता है कि हमारी एक्सेलरेशन ज़ीरो यहाँ पे ध्यान रखना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है नहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता ये वाला तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता लेकिन यही अगर हमारा सेम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है सेम स्लोप टाइम ग्राफ है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हमारी ज़ीरो है और जब हमारी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है यानी एक्सेलरेशन क्या थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v- माइनस यू टी, इसका मतलब ये जीरो है इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है या फिर दूसरे टर्म्स में बोलूँ कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कॉन्सटेंट वेलोसिटी तो ये हमारे ग्राफ्स हो गए चार ग्राफ्स सेम ग्राफ्स हैं ठीक है जीके? अच्छा मैं जब नोट्स दिखाऊँगी तो उसमें ये सब लाइंस वगैरह नहीं होंगे तब आप इजीली स्टडी कर सकते हैं एक और चीज़ आपको बतानी है एक सिंपल ग्राफ अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये हमारा रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें स्लोप ऐसा हो नीचे जा रहा हो यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई ना क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होएगी ठीक है ये आपको दिख रहा है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी ये इनिशियल तो आपको दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है यानी हमारा जो मोशन है वो रिटार्डेशन है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ठीक है अच्छा अब यहाँ से एक और चीज़ है ये वाली चीज़ मैं नेक्स्ट पेज पर पे डिटेल में बताती हूँ स्लोप की बात स्लोप ग्राफ का क्या बताता है कि किस तरह का मोशन है यहाँ पे आप समझेंगे मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप दिया हुआ है एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है अब क्योंकि आपसे पूछा जाए अच्छा ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ टेल्स वॉट तो स्लोप ऑफ द ग्राफ टेल्स यूनिफॉर्म मोशन कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में ए भी यूनिफॉर्म मोशन में और बी भी यूनिफॉर्म मोशन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फास्टर ठीक है यानी वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसका स्लोप ज़्यादा है और स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इमेजनरी एक बॉल रख लेंगे कि दोनों पे उस जगह पे एक बॉल पड़ी हुई है बॉल जब नीचे गिर रही है तो कौन से वाले केस में इजीली नीचे गिरेगी जो स्लान्ट ज़्यादा होगा वहाँ से बॉल आसानी से नीचे गिरेगी सीधा सा मतलब ये है या जितनी स्लान्ट लाइन ज़्यादा उतना स्लोप ज़्यादा और जितना स्लोप ज़्यादा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा ठीक है तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी की ज्यादा होएगी क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है यानी स्लांट उसका ज्यादा है ठीक है और एक सिमिलर स्केल पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस तरीके से कुछ ग्राफ दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाए कि ए एंड बी में से कौन सी एक्सेलरेशन बिकॉज अब स्लोप का आपका क्या बता रहा है एक्सेलेशन बता रहा है सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन अगेन आंसर बी होगा ऑन अ सिमिलर स्केल ठीक है अच्छा इसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने ग्राफ में आपको बतानी है मेरे से किसी ने डाउट पूछा था सम स्टूडेंट आस्क्ड इन एक ये मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में और मैंने कहा था इस वाली वीडियो में डाउट क्लियर करूंगी क्वेश्चन ये था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस ग्राफ अगर आपको दिया हो इथ सपोज ये डिस्टेंस टाइमग्राफ आपको रीडिंग दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टाइमग्राफ यू हैव टू मेकअट विलोसटी टाइमग्राफ ये किसी का क्वेश्चन आया था मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ठीक है तो उनमें से मैंने एक कमेंट में देखा था उसमें था कि आप विलोसटी टाइमग्राफ कैसे फॉर्म करोगे अगर आपको डिस्टेंस टाइमग्राफ दिया हुआ है तो मान लेते रीडिंग्स आपको दे रखिए वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन और डिस्टेंस आपको दे रखे वन मीटर या फिर टू के स्केल पर ले लेते हैं टू मीटर फोर मीटर सिक्स मीटर एट मीटर एंड टेन मीटर ये आपको ग्राफ दे रखे हैं ठीक है तो आप पहली चीज़ क्या करेंगे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हर पॉइंट पे विलासिटी निकालेंगे जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया इस वाले पॉइंट पे विलासिटी क्या आएगी इस वाले पॉइंट पे विलोसिटी आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके यानी टू हमारा डिस्टेंस और वन टाइम है तो यहाँ से विलासिटी आई टू इसे मान लेते हैं वी वन नेक्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो ये वाला हमारा पॉइंट रहा इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आएगी फोर अपॉन टू तो वेलोसिटी कितनी आई हमारी फोर अपॉन टू टू वेलोसिटी आई हमारी यानी वी टू हमारी टू मीटर पर सेकेंड आई ठीक है तो यार वी टू आ गई ऐसे ही वी थ्री फाइंड आउट करते हैं दिस अपॉन दिस ठीक है ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ये हमारी वी वन थी ये वी टू थी ये वी थ्री थी एंड सो ऑन हम आगे भी फॉर्म कर सकते हैं बट अभी मैं तीन ही बता रही हूँ तो वी थ्री क्या होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी सिक्स अपॉन वेलोसिटी यानी थ्री तो अगेन हमारा आंसर क्या आया टू मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटी वी वन वी टू वी थ्री हर जगह टू मीटर पर सेकेंड आ रही है ठीक है तो अब हम यहाँ से इसके बेसिस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं कैसे बनाएंगे हमने एक टेबल फॉर्म करी वेलोसिटी की एंड टाइम की टाइम वन मीटर है टू मीटर है थ्री मीटर है फोर मीटर है वेलोसिटी कितनी थी वी वन की वैल्यू कितनी थी वी वन की वैल्यू टू थी टू मीटर पर सेकेंड वी टू की भी टू थी एंड सोन so आगे की मतलब टू ही रहेगी टू मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और ये ग्राफ भी देखो आपको पता चल रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन का है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ बच्चा ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है ठीक है ना तो यहाँ पे इसके बेसिस पे जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट किया तो ये मैंने रीडिंग लगाई वन टू थ्री एंड फोर और जो वेलोसिटी है वो भी लगा लेते हैं टू के स्केल पे ही ले लेते हैं तो इस बार वेलोसिटी हर बार टू ही है तो फर्स्ट पॉइंट पे टू हो गई वेलोसिटी सेकंड पॉइंट पे टू हो गई थर्ड पॉइंट पे फोर्थ पॉइंट पे तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा है ना अगर सारी लाइंस ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा ठीक है यानी कि ये ग्राफ भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन का है ठीक है तो यहाँ से दो चीज़ें आप समझें फर्स्ट एक नई चीज़ हमने सीखी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हुए डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि यूनिफॉर्म मोशन अगर हमें बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो दो ग्राफ से बता सकते हैं एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जब हमारा ऑब्जेक्ट की इस तरह की स्ट्रेट स्लोप हो और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी यूनिफॉर्म मोशन बता सकते हैं अगर हमारी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस हो तो दो तरीके से यूनिफॉर्म मोशन हम बता सकते हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है मैंने कहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों से ही आप यूनिफॉर्म मोशन का बता सकते हैं ठीक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस तरह स्लोप होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप इस तरीके से होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये लास्ट पार्ट पे आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन डेरिवेशन इस बार आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है इसलिए डेरीवेशन यहाँ नहीं लिखी मैंने विलोसटी वो फर्स्ट इज बी इक्वल टू यू प्लस एटी ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आई गिव यू सर्टन क्वेश्चन सेकेंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस दो तरीके होते हैं इक्वेश ऑफ मोशन डिराइव करने के एक ग्राफिकल मेथड होता है एक न्यूमेरिकल मेथड होता है इफ़ यू वॉन्ट मैं एक सेपरेट वीडियो में दोनों बता दूंगी बट आई थिंक वो इतना डिटेल में ज़रूरी नहीं है जो भी अगर चाहे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है तब मैं डिटेल में कवर कर दूंगी नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है जैसे मैंने यहाँ शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि हर पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग होएगी यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग हर पॉइंट पे क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी या फिर मोशन तो कांस्टेंट है मान लेते फाइव मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फाइव मीटर पर सेकेंड की स्पीड तो वही रही लेकिन चेंज क्या हुआ हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई अब क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो मैं बोल सकती हूँ कि वेलोसिटी चेंज हुई क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है स्पीड के साथ उसकी अगर कोई डायरेक्शन बता दे तो वही चीज़ तो वेलोसिटी है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होएगी और ये जो टेंजेंट है टेंजेंट का मतलब होता है एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें एक सर्कल के थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल को लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल डिटेल में हम टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे मैथ्स में ठीक है तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट हर पॉइंट पे जो ये टेंजेंट है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है मान लो अगर एक पर्टिकुलर ले पॉइंट ले लेते हैं ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होएगी तो ये इस डायरेक्शन में होएगी ठीक है तो टेंजेंट वेलोसिटी बता रहा है दूसरा अगर यहाँ से आ जाए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा तो वेलोसिटी क्या होएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है यानी कितना या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम वही स्पीड वाली बात हो गई तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा टू पाई आर एक सर्कम ऑफ द सर्कल टू पाई आर होती है तो टू पाई आर रूड विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम दैट वुड बी इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी डिपेंड करता है हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं या क्या हमारी रीडिंग्स दी हुई हैं ठीक है ना तो इसीलिए मैंने जनरली वीक को स्पीड या वेलोसिटी ही माना है फिलहाल इधर बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि हम ये कैसे निकाल रहे हैं ठीक है मैंने बोला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है उसी वाले फॉर्मूले से निकाला डिस्टेंस कितना होगा सर्कम ऑफ द सर्कल तो क्या होता है इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट इज़ सेट टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है यूनिफॉर्म स्पीड है याद रखना मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल रही क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है ठीक है ना स्पीड इज सेम थ्रू आउट बट द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट एंड सिंस द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी चेंज करेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन भी चेंज करेगी तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होएगी ऑब्जेक्ट की ठीक है तो एक क्वेश्चन आता है कैन द ऑब्जेक्ट हैव द सेम स्पीड बट मतलब स्पीड ना चेंज हो रही हो लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो बॉडी की तो बिल्कुल हो सकता है जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई हो कुछ भी डिटेल्स हो कोई भी चीज़ कोई भी क्वेरीज आपकी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल लें Okay, so until then, take care, everyone. We'll meet again in the next video. Thank you so much. Goodbye.